कराते हैं। कोई नेता बात नहीं करेगा चाहे वो किसी पार्टी का हो, मगर हम करते हैं। क्या आपको पता है कि दिल्ली में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कराने के लिए हजारों की, कई हजार की संख्या में सोमवार को लोग जमा हुए? राहुल गांधी की रैली में जितने लोग होंगे उससे कम नहीं बल्कि ज्यादा ही। अपने फेसबुक पर पत्रकार शिशिर सोनी ने लिखा कि कोई नेता विधान पार्षद होता है और फिर वही अगर विधानसभा का चुनाव जीत जाए और वही ये कभी ये सांसद जीत जाए तो उसे तीनों जगहों से पेंशन मिलती है। मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब हमने एक दो सांसदों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ तीनों जगह से पेंशन मिलती है। ये हुआ कमाल का आइडिया। और आप लतीफा पर हंसिए, किसी को तीन तीन जगहों से पेंशन मिले और किसी को कहीं से नहीं, क्या ये ठीक है? इस पर आप कब बात करेंगे? तभी आप कर सकेंगे जब विप्लवी बयानों पर लतीफा बनाने में बिजी नहीं होंगे। अब ये भीड़ देखिए स्क्रीन पर। हमारे सहयोगी सुशील महापात्रा सोमवार को रामलीला मैदान में गए, वहां पहुंचे तो हजारों लोगों का हुजूम देखा। आयोजकों का तो दावा है कि 1 लाख कर्मचारी जमा हुए। हमारे कैमरे की पहुंच ठीक से नहीं हो सकी, वरना अलग अलग सरकारी महकमों में काम करने वाले ये कर्मचारी इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली आए, आज यही बड़ी स्टोरी होनी चाहिए थी। मगर न्यूज चैनल या टीवी अपने चरित्र में लोकतंत्र विरोधी होता है, ये पूरी दुनिया का सिद्धांत है, जन विरोधी होता है। आप टाइम लगाते हैं, ये आपकी गलती है। वो जनता को तब चुनता है जब उसे जरूरत होती है, जब जनता को जरूरत होती है तब टीवी वाला गायब हो जाता है। इस भीड़ में विभिन्न राज्यों के परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, रेलवे सहित कई विभागों के कर्मचारी थे। कोई दक्षिण से आया, उत्तर से आया, पूरब से आया, पश्चिम के राज्य से आया। ये कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम का विरोध करने के लिए पहुंचे, जिसे 1 जनवरी 2004 को लागू किया गया। इन कर्मचारियों का कहना है कि शुरू शुरू में न्यू पेंशन स्कीम के बारे में ज्यादा पता नहीं था, क्योंकि तब बहुतों को पुरानी स्कीम के तहत पेंशन मिल रही थी। अब पता चल रहा है कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत में उसमें इनका हित नहीं है तो यहाँ पर जमा हुए। पेंशन एक मुद्दा है, दुनिया भर में मुद्दा होता है, मगर कोई राजनीतिक दल नहीं बोलेगा क्योंकि कोई भी ऐसे सवालों पर कमिटमेंट नहीं करेगा। इसलिए यही लोग, अगर इनको मंदिर का मुद्दा दे दिया जाए, मस्जिद के मुद्दे पर लड़ा दिया जाए, तो ये लोग भी पेंशन छोड़ के उसी में बिजी हो जाएंगे। दुनिया भर में ये मुद्दा है सामाजिक सुरक्षा का, मगर भारत में इसे दरी के नीचे छिपा दिया गया। पर आप देखिए कि मीडिया के बिना भी इसी समय में लोग जमा हो रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। बस यही है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में जमा हुए और किसी को पता नहीं चलने दिया गया। यह नोट कीजिए कि अब लोकतंत्र में मीडिया के जरिए किस तरह से एक बड़े जनसमूह की आवाज को उसकी संख्या सहित गायब कर दिया जा रहा है। गायब करने की यह प्रवृत्ति पहले भी थी, मगर अब इसकी दर खतरनाक तरीके से बढ़ चुकी है। सरकार द्वारा पॉलिसी लाई गई है एनपीएस की, ये सरासर एक शेयर मार्केट को ध्यान में रखकर लाई गई है। अगर आप सोचिए, अगर जिस दिन एम्प्लॉय रिटायरमेंट होते हैं उस दिन शेयर मार्केट में जो क्रैक आ जाता है, शेयर मार्केट लूज हो जाती है, तो उस एम्प्लॉय का पैसा जो उसने 20 लाख देखा है खाते में, शायद वो 2 घंटे बाद 8 लाख रुपए रहे। न्यू पेंशन स्कीम पूरी तरह से बाजार आधारित प्लान है जो सरकार जबरदस्ती सरकारी एम्प्लॉय पर थोप रही है। अगर न्यू पेंशन स्कीम इतनी अच्छी है तो सरकार के सांसद और विधायक न्यू पेंशन स्कीम क्यों नहीं ले रहे हैं, वो पुरानी पेंशन का लाभ क्यों ले रहे हैं? एक दिन का विधायक और सांसद पूरी ताउम्र फैमिली पेंशन लेता है, लेकिन नई पेंशन स्कीम जो है उसमें ना तो फैमिली पेंशन है, ना जीपीएफ है, और वे पूरी तरह से बाजार आधारित प्लान है। कल को